नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। आप सब जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू आर ऑलवेज वेलकम टू व्हाट्सएप मी, ओनली व्हाट्सएप। आई कैनॉट रिसीव द फोन कॉल्स बिकॉज देर आर टू मेनी कॉल्स एंड आई एम क्वाइट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक द फोन कॉल। सो ओनली व्हाट्सएप 9226810630। मैं हमेशा कहता हूं हर एक वीडियो में कि मेरे वीडियोस अभी लोगों में आरोग्य विषयक साक्षरता बनाने का काम कर रहे हैं। द पीपल आर गेटिंग मोर लिटरेट अबाउट हेल्थ इश्यूज। आज हम बात करने वाले हैं अर्श चिकित्सा के बारे में। अर्श का मतलब होता है मॉडर्न लैंग्वेज में पाइल्स या हिमोरॉयड्स, तो ये बहुत बवासीर बोलते हैं हिंदी में, तो ये बहुत ही आम तौर पर शिकायत होती है लोगों की। बहुत परेशान होते हैं इस व्याधि के लिए और बाद में कभी कभी सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद की दवा पानी कर दी हमने तो सर्जरी से बच सकते हैं। ये कई हद तक ये बात सच है, फिर हर एक लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% हम सर्जरी को बचा सकते हैं। जब थर्ड डिग्री पाइल्स हो जाते हैं तो कभी कभार सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। तो पहले से ही प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, प्रतिबंध बनाना ये बहुत बड़ी चीज है। तो आज के इस वीडियो में ज्यादातर हम चरक संहिता में जो बवासीर के बारे में हमारे चरक ऋषि जे थे, चरकस्तु चिकित्सित थे, जो हमारे पूरी काय चिकित्सा ग्रंथ जो है, और काय चिकित्सा हम जो इंटरनल मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारे पूरी आयुर्वेद के जो फैटर्निटी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ऋण मानते हैं चरक ऋषि के, क्योंकि उन्होंने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बता दिए हैं। लोग बहुत पूछते हैं हमें कि 5000 ईयर्स बैक वो चरक संहिता लिखी गई है, आज की जमाने में वो चरक संहिता कैसे काम करेगी। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो बदल हुए हैं वो सिर्फ क्या बोलते हैं ना, दवा पानी के नाम में बदल हो गए। कुछ दवा अभी अभी नई नई बनाकर हम देते हैं, फिलहाल जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैसे की वैसे हैं और प्रिंसिपल हमेशा वैसे ही रहते हैं। जैसे कि देखिए, आप जब अग्नि की बात करते हैं तो आपने कभी भी सुना है कि अग्नि पानी जैसा ठंडा होता है? बिल्कुल कभी नहीं। तो अग्नि की जो उष्णता है वो वैसी, मतलब ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, स्वाभाविक गुण है। तो उसी तरह चरक ऋषि ने जो स्वाभाविक तरीके से सिद्धांत बताए हैं हर एक व्याधि के ट्रीटमेंट में, वो बहुत बेहतरीन है और उसका हमें फायदा भी मिलता है। और जो कारण वगैरह बताए हैं, कॉजेस, वो भी थोड़े से मॉडर्न पैथी से थोड़ा अलग है और उसका सोच लेने से हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसी के लिए आज स्टूडेंट्स को लिए, स्टूडेंट्स जो है थर्ड ईयर बीएमएस को, उनको भी फायदा हो जाएगा और सामान्य जन को भी ये वीडियो का फायदा मिल सकता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, पहले तो चरक ग्रंथ के अनुसार बवासीर के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है, कौन सी कारण बताई है, कौन सी पैथोजेनेसिस संप्राप्ति विकृति के बारे में चर्चा की है, और लास्ट वाला पार्ट जो है मेरा वीडियो का, वहां पर अभी के जमाने में हम वैद्य लोग बवासीर के लिए आयुर्वेद द्वारा चिकित्सा कैसे करते हैं ये भी मैं बताने वाला हूं। तो कृपा करके वीडियो आखिर तक देखें, सिर्फ 1 घंटा आप बहुत आराम से बैठ सकते हैं, हेडफोन डाल दीजिए और धीरे धीरे करके सुनते जाइए। ये देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ हिमोरॉयड्स, पहले तो उन्होंने बता दिया है कि अर्श शब्द निर्माण कैसे हुआ है। हाँ, जैसे आयुर्वेद या संस्कृत भाषा में उसको निरुक्ति या व्युत्पत्ति कहते हैं, मॉडर्न परिभाषा में उसको एपिटिमियोलॉजी कहते हैं, मतलब ये शब्द कैसे बना हुआ है। अरिवत प्राणान शृणाति पीड़यति इति अर्षः। अरिवत, अरिवत पीड़ा, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। अरि कौन है? अरि कौन है? अरि का संस्कृत मतलब होता है एनिमी। हमारे जो भी सोसाइटी में हमारे ऊपर जो बुरे सोचने वाले लोग होते हैं तो उनके तरफ से हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है, या ऐसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता कि पूरा जगत हमारे लिए मित्र है, हम तो मानते हैं, फिर कई लोग वो नहीं मानते, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स जिसको बोलते हैं, मतभेद हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, भावनिक मतभेद हो सकते हैं। तो जिनके मतभेद तीव्र स्वरूप से है उन्हें हमें क्या कहते हैं, उनको हम एनिमी कहते हैं। और यहां पर अरिक शब्द का अर्थ है एनिमी या एक धारदार शस्त्र, और उस शस्त्र या उस व्यक्ति के द्वारा हमें शारीरिक या मानसिक तौर पर जितनी पीड़ा तकलीफ होती है उसी तरह
बवासीर व्याधि में तकलीफ शारीरिक और मानसिक होती है, इसलिए इस व्याधि का नाम अर्श बताया गया है। कितनी अच्छी निरुक्ति बताई है चरक ऋषि ने। आगे चलते हैं, ये देखिए, अर्श के प्रमुखतः दो प्रकार के भेद चरक ऋषि ने बताए हैं। जैसे कि सहज नाम के सहज अर्श होते हैं जिसकी उत्पत्ति जन्मतः रहती है, ड्यूरिंग द बर्थ, बाय द बर्थ ये हमारी नौबत आ सकती है। कई कबार ये बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता कि जन्म से लेकर किसी बच्चे को यह बवासीर की तकलीफ होता है, बहुत ही उसकी प्रमाण जो है बिल्कुल कम है, रेयर बोलते हैं। ये ऐसे कॉमन नहीं है, आमतौर पर नहीं होता। आमतौर पर ये है एक्वायर, मतलब जातस्य उत्तर काल जो आफ्टर बर्थ एट एज ऑफ 10, 20, 30, 40 ये हो जाता है, पाइल्स हो जाते हैं, बवासीर हो जाते हैं, अर्श हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अभी एक एक का हम कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, विकृति कैसी होती है। तो चरक ऋषि कहते हैं कि सहज अर्श जो जन्म के साथ साथ हमें मिलते हैं, ये सहज अर्श, उसका प्रमुख कारण हमारी माता और माता या पिता, कई भी हो सकता है, माता या पिता के जो बीज है, पुरुष बीज एंड स्त्री बीज, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हेरिडिटी कुछ हो जाता है, क्रोमोसोम्स का प्रॉब्लम है, जीन्स का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे को अर्श होने की संभावना है। अभी ठीक है, स्त्री बीज का प्रॉब्लम या पुरुष बीज का प्रॉब्लम, वो भी क्यों होता है, उनके बीज चाहे वो ओवम हो चाहे वो स्पर्मेटोजोआ हो, क्यों प्रॉब्लम आता है उन बीज को, माता पिता के बीज को क्यों प्रॉब्लम आता है, क्योंकि माता पिता की जो जीवन शैली है वो बहुत ही गलत हो सकती है। मॉडर्न के जमाने में तो आप तो जानते हैं, कोई फिक्र नहीं करता खाने के बारे में, पीने के बारे में, सोने के बारे में, व्यवसाय के बारे में, व्यायाम, कोई नहीं सुनता, अपने अपने मजा लेके लाइफ बनाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट लाइफस्टाइल होती है, कोई रेगुलरिटी नहीं रहती, नियमितता कुछ नहीं है। फास्ट फूड प्लस फास्ट लाइफ इज इक्वल टू फास्ट डीजनरेशन ऑफ द सेल, हमारे पेशी कमकुवत हो जाते हैं, हमारी ये खान पान की गलत तरीके हैं, जीवन जगने का, जीवन जीने का एक तरीका बिल्कुल गलत होता है ना, सब मानते हैं ये चीज। तो इसी के लिए वो माता और पिता सुदृढ़ तंदुरुस्त परफेक्ट नहीं होते, तो उसी के वजह से उनके स्पर्मेटोजोआ पुरुष बीज या ओवम स्त्री बीज में प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम चलकर बच्चे को पाइल्स दे देते हैं, बवासीर दे देते हैं, गिफ्ट गलत है, गलत है। और एक मानो कि माता पिता बहुत ही आदर्श है, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, उनका खान पान अच्छा है, उनकी जीवन शैली अच्छी है, फिर भी बच्चे के जन्म के समय प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? आयुर्वेद का इसी के ऊपर उत्तर है, आयुर्वेद पुनर्जन्म कंसेप्ट जो संकल्पना है पुनर्जन्म के बारे में, री बर्थ के बारे में, आयुर्वेद उसके ऊपर विश्वास रखता है। तो इसीलिए वो बताते हैं चरक ऋषि कि वो बच्चे का माता पिता तो ठीक है, फिर उसके खुद के, बच्चे के खुद के जो आत्मा आता है बच्चे का, तो पुनर्जन्म से कुछ वासना लेकर आता है, पूर्व जन्म में उसने कुछ गलत चीजें की होती है, तो बाय चांस उसका परिणाम इस जन्म में बच्चे को भुगतना पड़ सकता है ऐसा। और एक व्याधि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आयुर्वेद ने ज्यादातर पाप दुष्कर्म पूर्व जन्म के बारे में बताया है, जैसे कि एक बीमारी आप जानते हैं श्वित्र, मराठी में हम एक कोड मंटो तो, व्हाइट पैचेस, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा मॉडर्न आयुर्वेद का शब्द है श्वित्र, तो आयुर्वेद में इसका भी कारण पूर्व जन्म कृत पाप ऐसे बताया है, मतलब हो सकता है कि वो बच्चे का पूर्व जन्म में कोई ऐसी गलत चीज होती होगी। ये अभी रिसर्च की बात है, यहां पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है ना, जो सिद्धांत उसका आंसर, उसका जो लॉजिकल जो प्रूफ चाहिए वो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब वो झूठा है, ऐसा तो नहीं हर वक्त हो सकता, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर सिद्धांत मानकर उसके ऊपर संशोधन की ज्यादा आवश्यकता है, ऐसी जो बीमारियां हैं कि जिसका कारण मॉडर्न पैथी
एलोपैथी वो लिखते हैं कॉज के सामने इडियोपैथिक, एक बहुत ही कॉमन है, आमतौर पर ये कारण बताया जाता है कई बार मॉडर्न के डॉक्टर्स। क्या है मतलब आपको मालूम है इडियोपैथिक? इडियोपैथिक का अर्थ क्या है मालूम है कि आपको? इडियोपैथिक का अर्थ है कॉज नॉट नोन। अरे ये कैसी साइंटिफिक चीज हो गई, कॉज नॉट नोन? ऐसी कोई भी चीज होती है जब मिराकल हो जाता है? नहीं, आयुर्वेद ये नहीं मानता। आयुर्वेद सत्कार्यवाद मानता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसीलिए आयुर्वेद ने बताया है इस जन्म में हमें माता पिता में कुछ दोष नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी बच्चे में प्रॉब्लम, तो क्या वजह हो सकती है? पूर्व जन्म में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ये डिबेट में मत पड़िए, आप छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, आप संशोधन के ऊपर लगे रखिए। उसकी चेष्टा वगैरह करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, ठीक है आगे चलते हैं। अभी लिखा है साइट ऑफ अर्श, यहां पर देखिए कहां पर होता है ये प्रॉब्लम बवासीर का। तो आयुर्वेद ने ये जो एनोरेक्टल एरिया है ना, एनस वाली एरिया, रेक्टस वाली एरिया, यहां पर कुछ लेयर्स बताए हैं, लेयर्स है ना। तो ये लेयर्स मसल्स के या म्यूकस लाइनिंग के लेयर्स जो है उसको आयुर्वेद में गुदवली नाम दिया है, लाइक अ फोल्ड्स, FOLDS, फोल्ड गुदवली। यहां पर शब्द है, देखिए थ्री एनो रेक्टल फोल्ड्स कहां पर है, ये पूरे जो सभोताल अवकाश है, खाली स्पेस है, और 4.5 अंगुल इसमें ये अंदर वाले हिस्से में वो वली रहते हैं, लेयर्स रहते हैं मसल, और इसके स्तर रहते हैं। अभी आगे चलकर ये शॉर्ट नोट्स हैं, पूरे पूरा का पूरा चैप्टर आप खुद जाकर चरक संहिता में पढ़ सकते हैं। साध्या साध्यत्व ऑफ अर्श मतलब प्रोग्नोसिस, मानो कि एक बच्चे को या बड़े व्यक्ति को पाइल्स है तो ठीक होगा या नहीं होगा, किस तरह ठीक होगा। पाइल्स एसोसिएटेड विद द पेन इन द कार्डियक रीजन, मतलब जिसका कुछ अलग भी प्रॉब्लम चल रहा है, सीने में कुछ तकलीफ हो रही है। इडिमा इन द हैंड्स, फीट, फेस, कोई सूजन वाली बीमारी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। हाँ? एनस में सबोताल स्वेलिंग है, स्क्रोटम में स्वेलिंग है। तो ये मतलब ये ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि पाइल्स के साथ साथ, बवासीर के साथ साथ उस व्यक्ति के हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो कुल बनकर होलिस्टिक अप्रोच से देखा जाए तो इसकी बवासीर ठीक ठाक होने में बिल्कुल कठिनाई हो सकती है, इनक्यूरेबल भी हो सकता है, असाध्य, क्योंकि मल्टी ऑर्गन फेल्यूअर जैसी ये स्थिति बन गई है। समझ रहे ना आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है आगे चलते हैं। अभी थोड़ा मेरा स्क्रीन लेफ्ट साइड पर मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, यहां पर देखिए पाइल्स विच आर हेरिडिटरी, जन्मजात आपको प्राप्त हुए हैं, इन्वॉल्व थ्री दोषा वात पित्त कफ, सब बिगड़ गए हैं, एंड इज लोकेटेड इन द इंटरनल फोल्ड, बहुत ऊपर वाले हिस्से में है, जिसके मॉडर्न लैंग्वेज में, अभी सर्जरी के लैंग्वेज में, फिस्चुला के बारे में ये टर्म है, पाइल्स के बारे में ज्यादा नहीं है, लो लेवल फिस्चुला और हाई लेवल फिस्चुला। उसी तरह यहां आप बता रहे हैं कि ज्यादातर ये डीप वाले हिस्से में, वेरिकोसिटी ऑफ द वेन्स जो है वो ज्यादा अंदर, बहुत अंदर चली गई है वो वेरिकोसिटी, तो आयुर्वेद चरक ऋषि कहते हैं कि ये थोड़ी असाध्यता हो सकती है। पाइल्स इन्वॉल्विंग द ओनली टू दोषास, जो उसके विकृति में कारक जो दोष है, वात पित्त या पित्त कफ या वात, सिर्फ दो दोष का इन्वॉल्वमेंट है, एंड इज लोकेटेड इन द सेकेंड फोल्ड, मतलब उसकी जो लेंथ है वेरिकोस वेन्स की थोड़ी कम है, एंड इज ऑफ 1 ईयर ओल्ड, मतलब सिर्फ 1 साल हो गया है तकलीफ चालू होने के बाद, तो ये डिफिकल्ट टू क्योर, क्योर तो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा तकलीफ देकर थोड़ी ज्यादा टाइम ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, कुछ पंचकर्म करने पड़ेंगे, जो भी चीजें हैं, तो थोड़ा सा पर क्योर तो हो जाएगा, साध्य व्याधि है। पाइल्स इन द एक्सटर्नल फोल्ड, बहुत बाहर है, जैसे हम सेंटिनल पाइल्स भी कहते हैं उसको, कॉज बाय ओनली वन दोषा एंड ऑफ रिसेंट ओरिजिन, कुछ महीने की बात है, कुछ हफ्ते की बात है, तो इजीली क्यूरेबल।
एक टैबलेट ले ली, दो टैबलेट ले लिया, एक मैं क्या बोलते हैं 8-15 दिन ले ली, खटैक बवासीर चली गई, ऐसा हो सकता है। फिर देखिए आप, बहुत सारे प्रकार है इसमें, इसीलिए जब लोग मेरे को पूछते हैं ना पेशेंट, सब आपको गारंटी है कि हम फीस देने के लिए तैयार हैं, आपके पास गारंटी है? मैं बोलता बिल्कुल नहीं गारंटी। ऐसे कैसे सर? अरे भैया जानने की कोशिश कीजिए, हर एक व्यक्ति में कौन सी कॉजेस है, कारण है, कितने लक्षण हैं, कितने दिन से बीमारी है, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसी है, ये सब चीज, और उसका हमारी दवा पानी के ऊपर जो रिस्पॉन्स है, प्रतिसाद है, वो कैसा है, ये बात जानने के बाद ही हम बता सकेंगे आपको कि आपकी जो बवासीर की शिकायत कितने दिन में ठीक ठाक होगी। ऐसा सबके लिए एक 100% आंसर नहीं होता, नहीं नहीं ठीक हो जाएगी, नहीं नहीं ठीक हो जाएगी, अरे गलत बात, गलत बात। दिस इज कॉल्ड एज अ टॉल क्लेम, फ्रॉड डॉक्टर है वो, फ्रॉड, बिल्कुल बेकार वाला डॉक्टर, ऐसा नहीं कभी बोलते। साइंटिफिक तरीके से पहले तो कम से कम आप केस टेकिंग बोलते हैं, हमारी यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर आपके साथ बातचीत करेंगे, सब कारण मीमांसा करेंगे, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, बाद में डॉक्टर देशपांडे के मार्गदर्शन पर औषधि पत्रक बनाया जाएगा, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ये सब चीजें क्यों करते हैं हम? साइंटिफिक शास्त्रीय तरीके से कुछ भी करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहां पर कौन सी भी बात कैसी तरह भी बताई दी जाती है, टॉस क्लेम किए जाते हैं, या ऐसा करो वैसा करो। मैं तो अचरज में पड़ जाता, उसकी डिग्री किसी को पता नहीं है, वो क्या पढ़ा लिखा है ये भी पता नहीं है, वो जो व्यक्ति यूट्यूबर है, फिर लोग विश्वास रखते हैं और लैक्स में उसके व्यूज वगैरह आ जाते हैं, वो भी पैसा कमा लेता है, आप भी मजा लूट लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वैद्य की भाषा है वो सिर्फ डॉक्टर लोगों को यूट्यूब ने अलाउड करना चाहिए कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है क्या, तभी आप ये मेडिकल पर वीडियो बना सकते, नहीं तो नहीं बना सकते। फिर अभी की दुनिया है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आगे चलते हैं, अभी ये बवासीर होने की आशंका कब हो सकती है? बवासीर होने की आशंका, जिसको वार्निंग सिग्नल्स बोलते हैं ना, वार्निंग्स, सावधान, रेड कलर, क्या है? विष्टब्धा जीर्ण, बार बार उस व्यक्ति को पहले अपचन हो जाएगा, हाँ एसिडिटी हो जाएगी, सीने में दर्द, सीने में रुल्लास, नौशिया, वोमिटिंग, ऐसी कुछ चीजें, हार्ट बर्न, ऐसी कुछ चीजें हो जाएगी, जलन हो जाएगी सीने में, उसके साथ साथ वीकनेस, बहुत दुर्बलता आ जाएगी। कभी कभार ये ज्यादा महीने से चल रहा है तो खाना पीना हजम नहीं हो रहा है, तो वेट लॉस हो रहेगा अपने आप, कार्श बोलते हैं, सख्ती मतलब थाया रीजन जो है ना, हमारी थाया रीजन, लेग्स जो होते हैं ना, वो पूरे के पूरे उसके ऊपर दुर्बलता आ जाती है, चलने फिरने में तकलीफ हो जाती है, ऐसा है मैं बैठा रहूं, मैं नहीं आ जाऊंगा फिरने के लिए घूमने के लिए, ऐसी उसकी अवस्था हो जाती है, आटो पेट में गुड़गुड़ आवाज आने लगती है, अति उद्गार, उब्ज, उब्ज, बेल्चिंग बोलते हैं, बेल्चिंग, ज्यादा ढकार आने चालू हो जाता है, आशंका ऑफ ग्रहणी, मतलब एक गृहिणी नाम की जो व्याधि है, जिसको एंटराइटिस भी कहा जा सकता है, कोलाइटिस भी कहा जा सकता है, या सिंपल सा इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, IBS, या इरिटेबल बावेल डिसीज, IBD, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो ये होने के कारण आगे चलकर उस व्यक्ति को ये हो सकता है, बवासीर, अर्श या पायस हो सकता है। कभी कभार पेशेंट को पांडु, एनिमिक कंडीशन ज्यादा हो जाती है, कभी कभार उदर रोग मतलब लीवर की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, असाइटिस, तो इस कंडीशंस में बवासीर की शक्यता मैक्सिमम है। आयुर्वेद ने और एक सिद्धांत बताया, बहुत अच्छा सिद्धांत है, अर्श, अतिसार और ग्रहणी आर ऑफन ऑफ म्यूचुअल कॉजेशन, मतलब एक दूसरे का वो कारण बन सकते हैं, अर्श के कारण अतिसार हो सकता है, बहुत बार अतिसार लूज मोशंस होने के कारण ग्रहणी में दुर्बलता आ जाती है, कोलोन, आंत्र आपके खराब हो सकते हैं, जिसके आंत्र खराब है उसको लूज मोशन शुरू हो सकते हैं, अतिसार, ज्यादा अतिसार हो जाने के बाद अर्श की निर्मिति हो सकती है, तो एक दूसरे के वो कारण बन सकते हैं, अर्श, अतिसार और ग्रहणी, अर्श का मतलब बवासीर या पाइल्स, अतिसार का मतलब लूज मोशंस या जियार्डियासिस, अमीबियासिस या बैक्टीरियल डायरिया, और ग्रहणी का मतलब एंटराइटिस, कोलाइटिस या इरिटेबल बावेल सिंड्रोम।
ठीक है, आगे चलते हैं। अर्श के बवासीर के प्रकार। सबके सब जो बवासीर है, पाइल्स है, उसमें वात, पित्त और कफ तीनों भी बिगड़ने की शक्यता ज्यादा होती है। फिलहाल उसमें तुलनात्मक दृष्टि से जिसका आधिक्य होता है उसी के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे कि उस अर्श में, संप्राप्ति में या निदान में या कारण में वातज कारण ज्यादा है, वातज लक्षण ज्यादा है तो उसको बोलेंगे वातज अर्श। पित्त की अधिकता है तो पित्तज अर्श, कफ की अधिकता है तो कफज अर्श। तीने दोष वात पित्त कफ बिगड़ गए हैं तो सन्निपातज अर्श, वात पित्तज अर्श। दो दो अभी कॉम्बिनेशन चल रहा है, पित्त कफज अर्ष, वात कफज अर्ष, और पहले वाला बताया था सहज अर्श, कंजनेट, हेरिडिटरी। ओके, अभी देखिए वातज अर्श में क्या क्या लक्षण आपको मिलेंगे। उसकी जो शेप होता है आकृति वेरिकोसिटी का, वो सरसप, बिल्कुल छोटा छोटा होता है, सरसप जैसा। उसका कलर शावक वर्ण का ब्लैक कलर होता है और पॉइंटेड टिप्स होते हैं और इरेगुलर उसकी मार्जिन्स होती है। ऐसा उसकी खास जो आकृति है वेरिकोस, जो दिखते हैं हमें आइदर विद द प्रोक्टोस्कोप और विद द पीआर एग्जामिनेशन, वी विल गेट सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वातजर्श। उसकी रचना वातजर्श में इस तरह होगी। पित्तजर्श को रक्तजर्श भी कहते हैं, वो लाल रंग के होने वाले हैं। उसके साथ साथ कभी कभार उसमें से ज्यादातर रक्तस्त्राव हो सकता है, जिसको हम रक्ति अर्श बोल, रक्तज अर्श बोलते हैं। एक तो होते हैं शुष्क अर्श और दूसरे होते हैं रक्तज अर्श, ब्लीडिंग पाइल्स, सिंपल पॉइंट्स, पाइल्स विदाउट ब्लीडिंग, एंड अनदर होते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। दोनों की चिकित्सा थोड़ी अलग होती है। यहां पर उसको जो आकार है, शेप है, वो गुंजाफल जैसा या तिंदुक जैसा या बदर जैसा, ऐसा बड़ा बड़ा या छोटा छोटा हो सकता है। कफज अर्श जो है उसका कलर जो है वो बहुत फीका फीका सा होता है। उसके इचिंग मतलब ददरू बोलते हैं, कंडू, खुजली आने की संभावना उस जगह में ज्यादा हो जाएगी। एक व्हाइटिश सफेद रंग का थोड़ा सा रक्त के साथ मिला हुआ स्त्राव उसमें से दिखाई देगा। उसका जो आकार है, शेप है, वो गोस्तन के जैसा हो सकता है, अंगुष्ठ ये थंब, उसके अनुसार ये कफज अर्श का आकार मान या साइज या शेप हो सकता है। अभी स्क्रीन मेरा राइट साइड पर शिफ्ट हुआ है, अभी देखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, ये हमें ट्रीटमेंट के हिसाब से उसके प्रकार कैसे करते हैं। ज्यादातर दो प्रकार मैंने अभी अभी बताए थे आपको, शुष्क अर्श नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, दीज आर वेरी कॉमन इन द प्रैक्टिस, एंड रक्त अर्श और द आर्द्र अर्श, दैट इज ब्लीडिंग पाइल्स। यही के यही मैं आपको दोनों की एक बेस्ट टैबलेट बताने वाला हूं, दोनों की, शुष्क अर्श के लिए और ब्लीडिंग पाइल्स के लिए। सावधान, डॉक्टर देशपांडे एक मैजिकल टैबलेट बताने वाले हैं दोनों के लिए। ओ नो नो नो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो अभी बताया तो भाग जाएंगे आप, वैसा तो मैं नहीं करूंगा। पूरी की पूरी जानकारी आपको लेने के बाद आखिर में मैं आपको शुष्क अर्श की बेस्ट टैबलेट और ब्लीडिंग पाइल्स की बेस्ट टैबलेट आखिर में बताने वाला हूं, इसलिए कृपा करके वीडियो आखिर तक देखिए। ऐसे कुछ मतलब टीजिंग करने की इच्छा नहीं है फिलहाल, ये सब बातें इंटरेस्टिंग है तो देखिए पहले अलग अलग चीजें, चरक संहिता में क्या लिखा है। फोर टाइप्स ऑफ चिकित्सा जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो शस्त्र कर्म भी कभी कभार, लास्ट वाली पार्ट, ये पहले वाला नहीं है, यहां लिखा तो है, हम ये है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये सबसे कठिन, मतलब कभी कभार रक्तजर्ष या थर्ड डिग्री पाइल्स में ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्षार कर्म है हमारे यहाँ, जिसको क्या बोलते हैं ना, क्षार सूत्र, बहुत बढ़िया है, नंबर एक बढ़िया ट्रीटमेंट है। जिसको भी फिस्चुला की शिकायत है ना, ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, फिस्चुला इन एनो है क्या आपको, फिस्चुला इन एनो, उसको भगंदर कहते हैं, भगंदर, या आपको कुछ पाइल्स की शिकायत है, शुष्कार, तुरंत तुरंत व्हाट्सएप कीजिए डॉक्टर देशपांडे को। नॉमिनल फीस होती है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं पूना में, महाराष्ट्र स्टेट में, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। सर्जरी के बजाय इस
भगंदर में हम क्षार सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। लिखिए लिखिए आप क्षार सूत्र। सूत्र का मतलब होता है थ्रेड, मेडिकेटेड थ्रेड। इसको हम बोलते हैं केमिकल कॉटरी। जिसको ये ट्रीटमेंट चाहिए पूना में डॉक्टर देशपांडे के गाइडेंस के ऊपर, तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 9226810630। अच्छी ट्रीटमेंट करवाएंगे हम। उसके बाद ये केमिकल कॉटरी मैंने बता दिया, क्षारकर्म, अग्निकर्म कर सकते हैं और ज्यादातर पेट की दवा दे सकते हैं, औषधि प्रयोग। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में यहां पर वर्णन है शुष्कार्ष के लिए क्या क्या करते हैं। देखिए यहां पर पहले तो हम सिट्स बाथ देते हैं। सिट्स बाथ लिखिए आप SITZ, सिट्स बाथ BATH। तो मतलब स्थानिक स्तर पर कुछ स्नेहन स्वेदन हमें करना होता है तो हम वहां पर तेल लगाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, और उसके बाद एक अवगाह स्वेद नाम की ट्रीटमेंट होती है। वहां पर फोमेंटेशन के लिए एक टब में थोड़ा सा मेडिकेटेड वाटर लिया जाता है और पेशेंट को हम बताते हैं कि उसमें बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? आपका जो एनोरेक्टल एरिया है वो रख कर उसमें बिठाना है आपको। उसके बाद कभी कभी अवसेचन मतलब धारा से उसके ऊपर हम पेशेंट को या हमारी जो स्टाफ होती है जेंट्स जेंट्स लेडीज लेडीज ऐसे करके वो सब ट्रीटमेंट हम करवाते हैं रुग्णालय में अस्पताल में। धूपन चिकित्सा होती है विथ, ये तो कुछ चीजें अभी हम इस्तेमाल नहीं करते, जैसे ह्यूमन हेयर से हम कोई धूपन वगैरह नहीं करते। जो भी करते हैं जो वीडियो सुन रहे हैं और बता रहे हैं सर सर हमारे हॉस्पिटल में करते हैं, तुरंत मेरे को बताइए, ये प्रैक्टिस वाले अभी चीज नहीं है, ये चरक ने लिखा है। स्लफ ऑफ स्नेक नो वी आर नॉट यूजिंग। अर्क रूट कभी कभार, शमिल्यूज कभी कभार, ठीक है? फिर उसके अलावा भी धूपन कर्म के लिए बहुत सारे मटेरियल हमारे पास होते हैं, उसके द्वारा हम धूपन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेटेक्स ऑफ स्नुही, उसका जो लेटेक्स होता है चीक होता है वो लगा देते हैं। हरिद्रा कल्क पेस्ट ऑन द पाइल्स। उसके साथ साथ पेट में पेशेंट को हमेशा हम तक्र मतलब बटर मिल्क रिकमेंड करते हैं। जो तक्र है बटर मिल्क है इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्पेशली तक्र बटर मिल्क इज द बेस्ट फॉर गृहिणी इरिटेबल बावेल सिंड्रोम एंड ऑल्सो फॉर द पाइल्स। डोंट फॉरगेट इट। आप घर पर ताक बनाकर पी सकते हैं, नहीं तो बाजार में लिक्विड आपको तकरारिष्ट रेडीमेड मिल सकता है। ओके, तक्र इज द बेस्ट मेडिसिन इन ड्राई पाइल्स नॉट इन द ब्लीडिंग पाइल्स। एट लास्ट रिसोर्ट कभी कभार हम जलऊ का अवचारण करते हैं एनोरेक्टल रीजन के आसपास। निर्विष जलऊ का जड़वा, इन मराठी वी कॉल इट एज अ जड़ू और जड़वा। सो दिस इज नॉन टॉक्सिक, जो लीच होती है उसका एप्लीकेशन वहां पर किया जाता है। पेट में देने के लिए तक्रारिष्ट हमारी पास होती है, दंत्यारिष्ट होती है, अभयारिष्ट इज अ बेस्ट मेडिसिन फॉर द पाइल्स। क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव ऐसा है कि जिन लोगों को कब्ज की शिकायत ज्यादा होती है, जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन दीर्घकाल से चालू है या बार बार होने की संभावना है, उन पेशेंट में जिसको प्रवाहन करने की जरूरत पड़ती है, मराठी में आम्ही त्याला कुंथणे म्हण प्रेशर देना, टट्टी के समय बहुत हार्ड स्टूल होते हैं और प्रेशर देकर ही वो निकलती है, तो उन पेशेंट में ये वेरिकोसिटी ऑफ द वेन्स, लोकल वेन्स, जो पाइल्स की शिकायत है, बवासीर की शिकायत, जिन व्यक्तियों को कब्ज की शिकायत है उनमें ज्यादा दिखाई देती है। हर एक व्यक्ति के घर में जो वी वीवर्स है, मैं विनंती करता हूं कि आपके घर में अभयारिष्ट होना ही होना है। बिल्कुल, क्यों नहीं, इतनी बढ़िया दवा है सांडू कंपनी, मैं बता रहा हूं आपको सांडू। बहुत बार लोग मेरे को पूछते हैं सर ये कौन सी कंपनी का लू, वो कौन सी कंपनी का लू, तो अभी क्या अभी बता दिया मैं, अभयारिष्ट लेना है तो आपको इंटरनेट पर जाकर सांडू कंपनी का लेना है, ठीक है? तो ये 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, खाना खाने के पहले रात को, डिनर बिफोर डिनर, रेगुलरली आप 8-10 दिन लेंगे तो आपको कब्ज की शिकायत बिल्कुल चली जाएगी, है कि नहीं? अच्छी हाँ, ये बताई दी मैंने। हाँ, कनकारिष्ट, कनक का मतलब होता है धतूर या धोतरा, ये थोड़ा उष्ण गुण का है। कनकारिष्ट कभी भी ब्लीडिंग पाइल्स में नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। जो भी हॉट चीजें है गार्लिक नहीं लेना,
जैसे ज्यादा स्पाइसी पंजेंट नहीं लेना। जब आपको ब्लीडिंग पल्स है, जब रक्त आ रहा है, तो पित्त प्रकोपक आहार विहार आपने नहीं लेना चाहिए। ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी, सबसे बेकार वाली चीज मद्यपान, अल्कोहल, वर्स्ट। आप स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल पी लेते हैं तो ये आपकी बवासीर ठीक होने में बहुत ही टाइम लगेगा, बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे आप। ठीक है, आगे चलते, ये शॉप वगैरह नहीं दे रहा हूं, मेडिकल फैक्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर शायद अगला पेज मेरे को लेना पड़ेगा, ये देखिए आ गया, लेफ्ट साइड पर रक्तार्श चिकित्सा, यहां पर देखिए, जिसमें ब्लीडिंग चल रहा है, ऐसी बवासीर है। नॉट टू अरेस्ट ब्लीडिंग इनिशियली, ऐसा नहीं कि एक बूंद आ गई तो तुरंत उसको पूरा स्टॉप कर देना है, क्योंकि आयुर्वेद का कहना है कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग इधर उधर होता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कि बेकार वाला खून होता है वो निकल जाने दो, फिर उसके ऊपर मतलब ऐसा चांस लेने की जरूरत नहीं है। एक आध दफा हो गया, दो तीन ड्रॉप्स ठीक है, फिर बार बार हो रहा है तो जैसे टीस्पून हो रहा है और ज्यादा मात्रा में हो रहा है, तो तुरंत आपको वैद्य के पास जाना ही जाना है। ओके, देन एडवाइस द अग्निदीपक एंड दोष पाचक। ज्यादातर हम तिक्त रस की मेडिसिन देते हैं, बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट से क्या हो जाता है, खाना हजम होने में आसानी होती है, अग्नि प्रदीप्त हो जाता है और उसके साथ साथ रक्त रुकाने में उसको मदद मिलती है तिक्त रस के द्वारा। कषाय रस भी बहुत यूजफुल होता है। फिर कषाय रस का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत निर्माण करेगा, तो कषाय और तिक्त रस में हम तिक्त रस प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये रक्त को शुद्धि कर देने वाला रस है या टेस्ट है। संशोधन चिकित्सा अकॉर्डिंग टू द प्रेडोमिनेंट दोषा मेडिसिन, कौन सी चरक ने बताए हैं, कुटजादि रसक क्रिया। कुटज एक बहुत बढ़िया दवा है, जिसमें ज्यादा ब्लीडिंग होता है या लूज मोशंस होते हैं उनके लिए कुटजारिष्ट हम हमेशा देते हैं। कुटज ये जो वनस्पति है ना, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको, उसका लैटिन नेम क्या पता आपको? लैटिन नेम होलेर हिना, होलेर हिना एंटी डिसेंटेरी का, एंटी डिसेंट्री, यस, लूज मोशंस स्टॉप करने के लिए कुटजारिष्ट या कुटज घनवटी बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, तो ये भी हम कभी कभार इस्तेमाल करेंगे। विबेरादि घृत पिच्छावस्थी, ये बहुत बढ़िया है ट्रीटमेंट। हमारी अस्पताल में शालमली नाम का जो वनस्पति है, उसका जो डिंक होता है, निर्यास होता है, गम होता है, उसके द्वारा हम मोचरस बनाते हैं, और ये मोचरस जो है वो दूध के साथ पकाया जाता है, और ये जो मोचरस का दूध के साथ जब पकाने के बाद द्रव्य मिलता है, उसके द्वारा धीरे धीरे मतलब वेरी स्लो रेट, बुन बुन भी आप कह सकते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसे हम मेडिकेटेड एनिमा सलाइन पॉट के द्वारा, सॉरी एनिमा पॉट के द्वारा दिया जाता है। कैथेटर लगाते हैं, हम ट्यूब लगाते हैं पहले और बाद में कैथेटर लगाकर ये थोड़ा थोड़ा एनिमा जैसा हम दे देते हैं। ये मोचरस पीछा बस्ती नाम से जाना जाता है। ये दो घटनाओं में, तीन घटनाओं में बहुत काम करता है। एक तो है हमारी रक्तज अर्श, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमारी आंत्र में जख्म हो जाते हैं और वहां पर रक्तस्राव चालू रहता है। मॉडर्न में ज्यादातर सेलाजोपायरिन नाम की दवा बहुत पुराने जमाने से दे रहे हैं लोग। फिर मैं आपको दरख्वास्त करूंगा, विनंती करूंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए आपके नजदीक वाले वैद्य के पास जाकर मोचरस का पिच्छा बस्ती लेने से जल्द ही जल्द वो सब फायदा आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं, पलांडु विद तक्र। पलांडु का मतलब ओनियन, ये भी हम दे सकते हैं। उसके साथ मसूर विद तक्र, हमेशा तक्र के साथ कुछ चीजें देनी चाहिए, इससे टट्टी अच्छी साफ हो जाती है। कुछ ड्रग्स जो हैं, भल्ला तक, स्पेसिफिकेशन रखने की कोशिश कीजिए, भल्ला तक ओनली फॉर शुष्कार्श। चरक क्या कहते हैं कि ड्राई पाइल्स है, उसमें रक्तस्राव बिल्कुल नहीं है, उसमें ही आपको भल्ला तक देना है। भल्ला तक बहुत ही टेरिबल उष्ण है, सावधान, बिब्बा बोलते हैं मराठी में, टेरिफिक, बिल्कुल हिट एंड हॉट, उष्ण तीक्ष्ण गुण का है ये बल्ला तक। जरा सी भी चूक हो गई तो खतरा है आपको।
ब्लीडिंग पाइस में कभी भी, या मैं ऐसे कहता हूं कि जिसको भी, जिन व्यक्तियों को भी रक्तस्राव की शिकायत है, नाक में से रक्त आना, एपिस्टैक्सिस, या अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है ना, कभी भी हॉट सीजन जब होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, समर होता है, भल्ला तक का इस्तेमाल ज्यादा मत करो यार, ज्यादा मत करो, तकलीफ हो जाएगी, बड़ा 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 ब्लीडिंग चालू हो जाएगा, ब्लीडिंग बढ़ाने वाला है भल्ला तक। जिनको भी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, या इस ब्लड की खून की जांच है जो ज्यादा है, थैलेसेमिया नाम की विकार है, कुलीज एनीमिया है, हाँ हिमोलाइटिक एनीमिया है, कभी भी भल्ला तक इस्तेमाल मत करो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला भल्ला तक है। तो ये रक्तार्च में ब्लीडिंग स्टॉप करनी है तो यहां पर लिखा है मैंने कुटेज, तिक्त रस वाली द्रव्य है, बहुत बढ़िया है, स्टॉप हो जाएगा, रक्त खून बंद हो जाएगा। कुटेज घनवटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फोलारिना एंटी डिसेंटरी का ये लैटिन नाम है। आगे चलते हैं, तक्र प्रयोग इन अर्श, यहां पर देखिए आप अगला वाला जो हमारा वर्णन है, इन वात जह अर्श है तो अनुद्घृत तक्र उसको देना चाहिए, पित्त जह अर्श में अर्शोद्घृत तक्र देना चाहिए, और कफ जह अर्श में रुक्ष तक्र देना चाहिए। सिंपल सी चीज है, कफ है ज्यादा है तो फैट पूरा निकाल दो, पित्त जो है तो थोड़ा फैट रख दो, और वात जो है तो आप फैट रख सकते हैं। तो इसी तरह फैट का अमाउंट वो बटर मिल्क में कितना होना चाहिए, ये वात पित्त और कफ किसकी वजह से ये प्रॉब्लम है ये देखकर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अनुवासन बस्ती, आप तो जानते हैं कि बस्ती का मतलब होता है मेडिकेटेड एनीमा। ये दो प्रकार के होते हैं बस्ती भैया, एक अनुवासन बस्ती और एक अस्थापन बस्ती। अनुवासन बस्ती का मतलब होता है जिसमें ज्यादातर केवल और केवल मेडिकेटेड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लेन सीसेम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी मात्रा भी थोड़ी कम होती है, 50 ml, 60 ml, 100 ml, इतना इतना सा नमक डालना है, सैंधव डालना है, वो अनुवासन है। और जिस बस्ती में, आस्थापन बस्ती जो है उसमें तेल तो है ही, उसके साथ साथ क्वाथ या काढ़ा या डिकॉक्शन है, उसके साथ कल्क है, पेस्ट है, सैंधव तो है ही, तो ये सब मिलाकर जो बना जाता है उसको आस्थापन या निरूह बस्ती कहा जाता है। तो दो प्रकार मालूमात हो गया आपको, एक अनुवासन है और दूसरा आस्थापन है। तो जो भी पेशेंट के है बवारिस के, उनमें जब उदावर्त ज्यादा होता है, पेट में गड़बड़ी ज्यादा होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है, एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही है, प्रतिलोम वात बोलते हैं, अतिरुक्षता, पूरे शरीर में रूखा सूखापन ज्यादा है, आंख में देखो, नाखून में देखो, जबान में देखो, कभी कभार पेट में दर्द होता है, कभी कभार गुदक प्रदेश में, एनोरेक्टल रीजन में पेन होता है, और उन सब लोगों को ये अनुवासन बस्ती देने की बहुत ही जरूरत है और फायदा भी मिल सकता है। एक उदाहरण के तौर पर पिप्पल्यादि अनुवासन बस्ती, चरक ऋषि ने कहा है, तैल पाक, ये सिद्ध तैल बनाना है आपको, कैसे बनाते हैं सिद्ध तैल, तिल तैल लेते हैं बेस, उसके साथ उसमें गोदुग्ध डालते हैं, काउज मिल्क, पिप्पली नाम की वनस्पति का पाउडर है, मदन फल, बिल्व, शतावा, यष्टि मधु, वचा, कुष्ठ, शटी, पुष्करमूल, चित्रक और देवदारू, ये सब वनस्पति के नाम है आप, ठीक है, ये सब का काढ़ा वगैरह बनाकर उसमें ये क्या बोलते हैं सिद्ध तेल कर उसका हम अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, अभी हम चिकित्सा की बात करते हैं। यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 14, इसकी बात चल रही है, अर्श कहां पर है, आपको चरक संहिता मालूम है ना, हर एक को कितने पार्ट है, हाँ? सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, स्थान का मतलब होता है सेक्शंस, ये बुक्स में सेक्शंस है, हाँ? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जैसे सिनेमा बोलते हैं ना, सिनेमा का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, उसी तरह चरक पूर्वार्ध का मतलब फर्स्ट पार्ट, उसमें सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, विमान स्थान है,
शारीर स्थान है, और चरक उत्तरार्ध पार्ट टू उसमें चिकित्सा स्थान है, कल्प स्थान है और सिद्धि स्थान है। तो टोटली 8 स्थान हो गए। हाँ, तो इन सब की जो चिकित्सा स्थान है उसमें से 14वां जो चैप्टर है वो ये पाइल्स के बारे में क्या बताते हैं, कैसे करनी है। थोड़ा थोड़ा जो भी कॉमन है वो सिर्फ संस्कृत श्लोक आपको पढ़ा के मैं सुनाना चाहता हूँ, जरा आपको भी थोड़ा आनंद मिल सकता है थोड़ी संस्कृत भाषा का। अभ्यंग करते हैं हम तेल लगाकर, स्वेदन फोमेंटेशन धूम फ्यूमिगेशन, स अवगाह अवगाह स्वेद सिट्स बाथ, मैंने पहले बताया था अवगाह स्वेद, प्रलेपन लेप करवाते हैं, शोणितस्य अवसेकश्च जो रक्त है दूषित रक्त वो निकाल देते हैं, जलों का अवचारण लीचेस लगाकर, योगा मेडिसिन देते हैं, दीपन पाचना एपेटाइजर्स एंड कार्बिनेटिव जिससे भूख बढ़ेगी और खाना भी हजम हो जाएगा, पान अन्न विधिर अग्रेश्च वात वर्चो अनुलोमना, जो भी खाना खाएंगे उसके द्वारा वात अनुलोमन होना चाहिए, टट्टी अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, बस्त यहा तक्र योगाश्च, तक्र दे देंगे वराष्टिका सशर्करा, शुष्काणाम अर्शसाम सस्ता स्त्राविताम लक्षणानि च, द्विविधम सानुबंधानाम तेषाम चेष्टम यद औषधम, रक्त संग्रहणाः क्वाथाः योगाश्च प्रतिसारणाः। देख रहे ना आप, ये सब संस्कृत वाली जो लाइंस है वो थोड़ी सी बाद में हम देखेंगे, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए क्योंकि आई वॉन्ट टू करेक्ट सम क्या बोलते हैं ना, हाँ या ओके दिस इज फाइन। अभ्यंग एक एक करके आपको सिद्धांत बता रहा हूं। चरक कहते हैं कि बवासीर में तेल लगाने की जरूरत है, अभ्यंग सिद्ध तेल फोमेंटेशन करने की जरूरत है, सिट्स बात धूम फ्यूमिगेशन अवगाह, यहां पर देख रहे हैं ना आप, इसको मार्क कर देता हूं मैं आपको, रक्त मोक्षण बाय द जलों का, दीपन पाचन वातानुलोमन, ये सब हमारी मेडिसिन देनी चाहिए, और घृतपान सबसे बढ़िया है, मेडिकेटेड घी पेशेंट को देना है, तक्रपान बटर मिल्क, रक्त संग्राहक जिसके द्वारा रक्त का जो विस्रावण चल रहा है ब्लीडिंग चल रहा है वो स्टॉप करने वाली दवा हमें देनी होगी। जब पेशेंट के जो बवासीर की जो पेशेंट है उसमें जब वात का या पित्त का या दोनों वात पित्त का आधिक्य होता है तो ज्यादातर स्नेहन स्वेदन करने के बाद निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती की हम चिकित्सा देते हैं। जब ज्यादा पित्त आधिक्य है, पित्त का डोमिनेंस है और रक्त ब्लीडिंग पाइल्स है, तब हम मृदु विरेचन देते हैं, लैक्सेटिव देते हैं। जब कफ अधिक के ज्यादा होता है, कफ का दोष का डोमिनेंस है, तो उसके लिए स्नेहन स्वेदन के बाद हम वमन करवाएंगे जिसका मतलब होता है थेरापेटिक वोमिटिंग, और उसके साथ साथ उसके वमन देने के लिए शुंठी या कुलत्थ इसका पेट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे चलते हैं, स्नेह से लेकर लेप तक जैसे अभ्यंग है स्वेद है धूम है अवगाह स्वेद है लेप, इसके कारण बाह्य शमन हो जाता है और उसमें जो स्तंभ है अकड़नापन है या इडिमा है शोथ है या पेन या दर्द है वो पूरे के पूरे निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सुश्रुत संहिता, हमारी सर्जन थे सुश्रुत, हाँ उन्होंने एक सूत्र बताया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, चतुर्विधो अर्शसाम साधन उपाया, सुश्रुत तो सर्जन है तो उन्होंने बताया है कि बवासीर की चिकित्सा करनी है तो 4 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इज देयर, वन इज अ भेषज का मतलब औषध इंटरनल मेडिसिन, उसके साथ केमिकल क्षार अग्नि कर्म या शस्त्र कर्म, ऐसी चिकित्सा अर्श के लिए ज्यादा अच्छी होती है। थोड़ा सा उन्होंने स्पेसिफिकेशन भी किया है, वो कहते हैं यहां पर देखिए, स्पर्श से जो अर्श बवासीर थोड़े से रफ हैं और फ्लैट तरीके से हैं उनके लिए और कठिन हार्ड है उनके लिए अग्नि चिकित्सा ज्यादा उपयुक्त है, जो ब्लडिंग चालू ज्यादा हो जाएगा तो उनके लिए मॉडर्न डॉक्टर्स या सुश्रुत कहते हैं कि सर्जरी विल बी मोर बेटर। इसमें से औषधि चिकित्सा जब हम करते हैं तो भिन्न शकृत या गाढ़ शकृत ऐसे हमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, भिन्न
शकृत का मतलब वो बांध के हुई टट्टी नहीं है, लूज मोशन जैसी है, और गाढ़ शकृत का मतलब होता है थोड़ा सा कब्जे की तरफ ये चली चली जा रही है, उसका जो टाइप है वो। आगे चलते हैं, जब भिन्न शकृत होते हैं, भिन्न शकृत मतलब लूज मोशन जैसे, उनमें थोड़ा सा हमें गैस्ट्रिंजेंट गाढ़ी औषधि का प्रयोग करना चाहिए, और जब जो ये टट्टी है वो गाढ़ी मतलब हार्ड होती है तो उनके लिए थोड़ा सा मृदु विरेचन माइल्ड लैक्सेटिव या अनुलोमन चिकित्सा करनी चाहिए। अर्श की चिकित्सा करते समय शुष्क अर्श और स्त्रावी अर्श ये टाइप्स बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उसके लिए वाग्भट क्या कहते हैं, देखिए वाग्भट का कहना है कि शुष्क अर्श में जब ड्राई पाइल्स हैं, बिब्बा मतलब भल्ला तक का उपयोग बहुत फायदेशीर है, भल्ला तकासो या भल्बा तक परपटी हम इस्तेमाल करेंगे, बट जब ब्लीडिंग ज्यादा है, रक्तस्राव ज्यादा है, स्त्रावी अर्श है, तो उनमें हम कुटज या कुड़ा, मराठी में जब कुड़ा बोलते हैं, कुटज बोलते हैं, फुलारिना एंटी डिसेंट्री का इसकी टैबलेट या उसका अरिष्ट हम ले सकते हैं। साल बार्क का इस्तेमाल, चूर्ण का इस्तेमाल हम करते हैं, और किस कौन सी हो मतलब यह शुष्क हो या स्त्रावी हो, दोनों में तक्र लेना फायदेमंद ही बताया है आयुर्वेद ने। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि चरक चिकित्सा स्थान में तक्र का महत्व बहुत ही बढ़िया बताया है, यहाँ पर देखिए तक्र की प्रशस्ति बहुत प्रेजिंग किया है तक्र के लिए, बटर मिल्क वात श्लेष्म अर्शसाम तक्रात परम नास्तिह भेषजम। चरक तो कहते हैं कि बटर मिल्क के अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इतना उसका महत्व है तक्र का, बटर मिल्क का ये अर्श व्याधि। तत्प्रयोज्यम यथा दोषम सस्नेहम रुक्षम एववा। दोष कौन सा है ये देखकर सस्नेह मतलब विथ फैट या विदाउट फैट ये बटर मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तक्र इन जनरल तो आप कह सकते हैं कि सभी के लिए अच्छा है, फिर वात कफ जन्य अर्श के लिए तक्र एक बेहतरीन दवा है। कफज अर्श के लिए उद्धृत स्नेह और वातज अर्श के लिए सस्नेह तक्र देना चाहिए, मतलब विथ फैट एंड विदाउट फैट। ये तक्र 7 दिन या 15 दिन या 30 दिन रुग्ण को रोज पीने के लिए बताना चाहिए। धीरे धीरे कोई आदमी ऐसा भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि खाने का प्रमाण, खाने वाली जो चीजें उसका प्रमाण कम करके उसकी जगह, उसके जो हमें पेट का समाधान नहीं हो जाएगा तो उसके लिए तक्र पान भी हम कर सकते हैं, जिसको हम तक्र डाइट भी कह सकते हैं। हाँ, ये तक्र जो है उत्तम पुष्टि बल और वर्ण, इसके द्वारा हमें एक प्रकार के शरीर में सौष्ठव आ जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे वजन भी हमारा बढ़ने लगेगा, ये मांस धातु की जो ताकत है वो भी बढ़ने लगेगी, और कलर एंड कॉम्प्लेक्शन जो हमारा स्किन के ऊपर जो एक ग्लोरी आनी चाहिए वो भी, क्योंकि बहुत ही हमारी खान पान जो है वो सुधर गई है, भूख भी लगती है और खाना हजम भी होता है, तो अपने आप हर एक धातु का पोषण अच्छे तरीके से हो सकता है। केवल तक्र के बजाय कई कबार तक्रारिष्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें हम धनिया, जीरा, पिप्पल अमूल और ओवा अजवायन, इसका चूर्ण हम जब तक्र बनाते हैं उस पॉट में ही मतलब जो बर्तन है उसमें भी ये चूर्ण डाल दिए जाते हैं, और इसके अंदर जो बर्तन है उसके अंदर के बाजू में हम घी लगाते हैं, और उसी जो वेसल है उसको बंद करके एक 8 दिन तक जब हम उसको एयर टाइट करके अंडरग्राउंड रखेंगे तो अपने आप उसमें से धीरे धीरे 9वें दिन में उसका रस मधुर अम्ल और कटु ऐसा उसका टेस्ट बन जाती है, और बाद में वो फिल्टर करके तक्रारिष्ट बनाकर उसको हम सेवन कर सकते हैं। बाजार में यह हमें बनाने की अभी जरूरत नहीं है, रेडीमेड मिल जाता है। वो तक्रारिष्ट हमारी अग्निमान जो है, बेसिकली ऑल डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ द वीक डाइजेस्टिव फायर, तो इसके कारण ये अग्निमान के दूर होने के कारण हमारी पूरे शरीर के जो चैनल्स होते हैं स्रोतस उनकी शुद्धि हो जाती है, और रस इत्यादि धातु जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र है ये धातुओं की अच्छी तरह से पुष्टि होती है, और उसके द्वारा अपने आप ये व्याधि ठीक ठाक हो जाते हैं। रक्तर्श जब शिकायत होती है, जब ब्लीडिंग ज्यादा होता है, तो उसमें नाग केशर यहाँ पर देखिए या सम शर्कर चूर्ण बाजार में ये मिल जाता है आपको, सम शर्कर चूर्ण, तो ये बहुत ही फायदेमंद है, रात को आधा या 1 चम्मच आप पानी के साथ ले सकते हैं। कुटज परपटी, इसका भी कुटज परपटी वटी
बाजार में मिलती है आपको आयुर्वेद शाला पुणे की, ये प्रोडक्ट है, दो दो गोली तीन दफा आप दे सकते हैं। जिन पेशेंट को मलावष्टम्भ ज्यादा है, कब्ज की शिकायत है, उन्होंने अभयारिष्ट 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी डालकर खाना खाने से पहले लेने की जरूरत है। उसके साथ साथ कंपिल्ल के चूर्ण भी बाजार में मिलता है, वो भी काम आता है इस दौरान, क्योंकि वो विरेचक भी है, लैक्सेटिव भी है, और उसके द्वारा कृमि पतन भी अच्छा हो जाता है। शुष्क अर्श है, मतलब यहां पर देखिए जिसमें ब्लीडिंग नहीं है, उसमें हम बल्ला तक, बल्ला तक आसव, कांकाइन गुटी, तिलक गुड़, बल्ला तक हरितकी, बल्ला तक हरितकी, ऐसे कल्प इस्तेमाल करते हैं। बल्ला तक ये ज्यादातर कटु और उष्ण और स्निग्ध है, रक्त व श्रोतस के ऊपर उसका कार्य ज्यादा है, और पित्त का स्त्रावण अच्छा होने के लिए और अग्निमांज्य दूर करने के लिए ये बहुत ही काम आता है बल्ला तक। अभी देखिए गुदवली के आसपास जो ज्यादा मॉइस्चर होता है, ज्यादा स्त्राव होता है, वो कम करने के लिए ये भल्ला तक काम आता है। फिलहाल कभी कभार भल्ला तक के द्वारा कब्ज की शिकायत जिनको है वो बढ़ सकता है, तो उसके लिए भल्ला तक के साथ कुछ अनुलोमक द्रव्य देने की जरूरत है। शुष्कार्श के लिए भल्ला तक परपटी, ये बाजार में रेडीमेड नहीं मिल सकती, आपको बनाने कर वैद्य के द्वारा बनाकर दी जा सकती है। शंख भस्म और कपिल ऐसा मिश्रण आप दे सकते हैं। और जब रक्तार्श होता है, यहां पर देखिए आप ये वाली लाइन में देख रहा हूं, रक्तार्श के लिए नाग केशर चूर्ण है, फाइन पाउडर, शंख भस्म और कंपिल्ल के चूर्ण, इनका मिश्रण आप दे सकते हैं। उसके साथ एक खाद्य पदार्थ है, हमारी सब्जी में ये मिल जाएगा आपको, यहां पर देखिए सूर्ण नाम के, याम बोलते हैं ना, याम इंग्लिश में, तो इसका भी फायदा जरूर मिलता है शुष्कार्श के लिए, रक्तार्श के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। सूर्ण के लिए एक पर्यायवाची सिनोनिम शब्द है जिसको अर्शारी, मतलब अर्श के साथ फाइट करने वाला हमारा जो वेजिटेबल है वो है सूरन, मतलब याम। अर्श शामक लेप भी वैद्य बनाकर दे सकते हैं। अवगाह स्वेद टब्बात और गुदभागी धूपन फ्यूमिगेशन, ये ट्रीटमेंट भी अच्छी काम आ सकती है। तो ये जो बाकी के जो सुश्रुत ने कर्म बताए हैं आपको, जैसे कि एक क्षार अग्नि और शस्त्र कर्म, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है। ऐसे आलतू फालतू डॉक्टर के पास आप मत जाइए, ऑफिशियल जो आयुर्वेद का अस्पताल होता है सरकारी या प्राइवेट, उधर आप जा सकते हैं। ये तीन उपक्रम, कोई भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ उस व्यक्ति के जीवित को भी धोखा पहुंचा जा सकता है। अभी ये बात है कि इसका बार बार निर्मिति न होने के लिए या गुदभ्रंश जैसी शिकायत न होने के लिए और कुछ ट्रीटमेंट्स हम डॉक्टर लोग बताते हैं। कभी कभार शुक्र व श्रोतस की भी सर्जरी के दरमियान हानि पहुंचा जा सकती है, हानि हो सकती है, बहुत रेयर है ये। ऐसे अभी जब एक्सपर्टाइज बढ़ गई है तो ये प्रॉब्लम नहीं आते, उस जमाने में कभी कभार एनास्थेसिया की प्रॉब्लम या अलग कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लैब्य जैसी शिकायत भी, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये प्रॉब्लम जब नस के द्वारा ट्रॉमा हो जाता है तो ये होने की संभावना है। इसीलिए ज्यादातर जो काय चिकित्सक वैद्य है वो बोलते हैं कि अग्निकर्म या शस्त्र कर्म या क्षार कर्म करने की नौबत न आने के लिए पहले से ही आप कुछ सावधानी बरतिए, पथ्य पालन कीजिए, कभी भी कब्ज की शिकायत न होने दीजिए, और जो खान पान है अच्छी तरह से रखना, व्यायाम करना, फ्रेश फ्रेशली कुक फूड खाना, रात को लेट नहीं खाना, रात को जागरण मत करना, ये सब आप थोड़े थोड़े संभालेंगे तो आपको बवासीर नहीं होगी और उसके बाद ये करने की कोई नौबत आपके पास नहीं आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज्यादातर अर्श के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक पथ्यापथ्य की बात है, मतलब जिसको परहेज हम कहते हैं, डूज एंड डोंट्स आयुर्वेद में क्या बताए हैं, तो यहां पर देखिए अर्श के समय जो पाइल्स वाले पेशेंट है तो विबंध कॉन्स्टिपेशन कभी भी नहीं होने चाहिए। कॉन्स्टिपेशन कब्ज की शिकायत हो गई तो पाइल्स डेफिनेटली हो जाएगी या शिकायत बढ़ जाएगी, तो कभी भी ये आपको परहेज जिसके द्वारा, जिस अन्न के द्वारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा वो नहीं लेना है आप। अग्नि दीपन जिसके द्वारा होता है वो लेने की बहुत अच्छा है, इसके लिए शारी शिष्टिक जो राइस होता है, जो 60 डेज में राइस पक हो जाता है, पक जाता है मतलब निर्माण होता है, वो शालिशिष्टिक राइस आपको पथ्यकारक है, फायदेमंद है। यव ले सकते हैं, गोघृत ले सकते हैं, सूरण शुष्कार्श में ले सकते हैं, पटोल पडवल बोलते हैं, कपित्थ आमलकी, तक्र नवनीत, अजादुग्ध, मृग मांस, ये सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। फिर ये जो है विदाही इरिटेंट फूड बोलते हैं ना, डीपली फ्राइड फूड बोलते हैं, आमबोन के लिए मतलब फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल आपको नहीं लेनी है। उसके साथ साथ वेगावरोध नहीं करना चाहिए,
जब भी आपको टट्टी को दिल करता है, मतलब अर्ज आ जाती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, हाँ हमें डिफिकेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं, मिक्चुरिशन रिफ्लेक्स बोलते हैं, ये कभी आपको टट्टी को पेशाब जाने की दिल करता है, मतलब इच्छा होती है, अर्ज आ जाता है, तो उसको रुकाना नहीं, क्योंकि आयुर्वेद ने कहा है नवेगा अंधारे, नेचुरल अर्जेस कभी भी फोर्सफुली आपको सप्रेस नहीं करनी है, चाहे वो जो अर्ज होती है, कभी भूख की भूख लगती है तो खाना चाहिए आपको, प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए, सोने की इच्छा होती है रात को तो सोना चाहिए, ये सब चीजें नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के तरीके से होती है और उसका आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है, जो नहीं करते उसको बोला जाता है वेगावरूप। और एक चीज है, कभी भी कठिन आसन, मतलब जो हार्ड सरफेस होते हैं, ऐसी चीजों पर लगातार घंटों तक बैठना गलत चीज है, ज्यादा ड्राइविंग करते हैं आप ज्यादा टाइम तो भी ये शिकायत नौबत आ सकती है, अधिक घूमना फिरना होता है, व्हीकल का ड्राइविंग आपको करना पड़ता है, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स जिनको अग्नि के साथ ज्यादा 12 12 घंटे 14 14 घंटे बैठते रहते हैं, उन लोगों को ये पायस की शिकायत ज्यादा हो सकती है। उत्कट आसन, ये भी आपको वर्ज करना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद ने बोला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, एक लास्ट वाला मैंने प्रॉमिस किया था आपको, शुष्क अर्श, जिसको ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं है, उनके लिए कांकायन गुटी आज ही आज लाइए आप, जेनेरिक मेडिसिन है, जेनेरिक आयुर्वेद ने अपनी दम पर बनाया हुआ मेडिसिन है, कांकायन गुटी, गुटी का मतलब टैबलेट, दो दो गोली तीन दफा, दो दो गोली तीन दफा अभयारिष्ट के साथ, 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी, 3 दफा आपको कम से कम 8 दिन 10 दिन 15 दिन लेनी पड़ेगी, इससे आपको शुष्कार्ष में मतलब ड्राई पाइल्स में 100% इफेक्ट आ जाएगा, गारंटी है मेरी। दूसरी एक टैबलेट है, उसका नाम है ये कंकान गुटी, और दूसरी है टैबलेट जिसमें ब्लीडिंग जाता होता है, उसके लिए बोल बद्ध रस, क्या नाम है इसका, बोल बद्ध रस, इससे ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, ये भी टैबलेट आप दो दो गोली तीन दफा बिल्कुल ले सकते हैं पानी के साथ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का वीडियो, कृपा करके लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।